अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी, मेरी तरह बहुत सी बहनों के हुआ होगा कलर डल धूप में बैठने की वजह से। तो जी, आज ये स्पेशल वीडियो उनके लिए है। तो जी, आज मैं बना रही थी फेस पैक, तो मैं क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये फेस पैक हमारी स्किन को ब्राइट करेगा, ग्लो देगा हमारी स्किन को, हमारी स्किन को टाइट करेगा, फाइन लाइन्स ख़त्म करेगा, हमारे डार्क सर्कल को रिमूव करेगा। तो इसके और भी बेनिफिट्स हैं बहुत सारे, तो मैं साथ आपको बताती जाती हूँ और साथ साथ इसको बनाते हैं। तो जी, सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे चावल का आटा। चावल का आटा हमारी स्किन को एक तो स्क्रबिंग के तौर पे भी काम आता है, दूसरा ये हमारी स्किन को ब्राइट करता है, ग्लो देता है, हमारे ओपन पोर्स को श्रिंक करता है। तो जी, हमने एक चम्मच चावलों का आटा ले लेना है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें कॉफ़ी आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर वाली भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी, मैंने ये वाली कॉफ़ी यूज़ की है। तो कॉफ़ी पीते के जैसे इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, इस तो ऐसे ही स्किन के लिए भी ये हमारी बहुत अच्छी है। ये हमारी स्किन को ब्राइट करती है, ग्लो देती है, हमारी स्किन में स्पॉट्स को ख़त्म करती है। तो जी, उसके बाद हम लेंगे बेसन। तो बेसन भी हमारी स्किन को ब्राइट करता है, हमारी डेड स्किन को रिमूव करता है, हमारी स्किन पे ग्लो देता है, एक नेचुरल ग्लो। उसके बाद हम हनी यूज़ करेंगे। तो जी, हनी भी हमारे एक्नी को श्रिंक करता है, हमारी फाइन लाइंस को ख़त्म करता है, हमारी स्किन को टाइट करता है। तो जी, हम इसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर देंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे दूध। हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई सा भी जो आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो जी, मैं इसमें ऑलपर्स का दूध यूज़ करती हूँ करूँगी। पहले मैं थोड़ा यूज़ करूँगी, थोड़ा डालूँगी, अगर मुझे और ज़रूरत होगी तो फिर मैं इसमें और डालूँगी। तो हमने ज़्यादा लिक्विडी बैटर नहीं बनाना, इसका एक थिक सा बैटर बनाना है, तो जो हमारी स्किन पे आराम से लग जाए। तो जी, हम दूध की जगह इसमें दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे दूध हमारी स्किन की डेड स्किन होती है उसको रिमूव करता है, ऐसे दही भी ये भी बहुत से फ़ायदे हैं, ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये भी हमारे पोर्स को श्रिंक करता है, हमारी एक्नी को रिमूव करता है, डस्ट जो हमारी स्किन के अंदर चली जाती है उसको ईजीली ये क्लिनजिंग कर देते हैं, स्किन को क्लीन करता है। तो जी, हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस पैक को, ताकि इसमें लम्ब्स ना बने, हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो जाए, कॉफ़ी भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें जी, ये हमारा पैक हो गया है रेडी। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे अपनी स्किन पर। तो जी, ये देखें, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरी स्किन पे आपको स्पॉट्स भी नज़र आ रहे होंगे, ये एक्नी भी हुई है मेरे फोरहेड पे। तो जी, ये इसको यूज़ करने से पहले मेरी स्किन की हालत कुछ ऐसी थी। तो मैं इसको फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ, आप इसको ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। हम पूरे फेस पर इसको अच्छी तरह अप्लाई करेंगे, हम इसको आइज़ के नीचे भी अप्लाई करेंगे ताकि हमारे डार्क सर्कल रिमूव हो सकें, लाइट हो सकें। नोज़ के साइड्स पे लगाएंगे ताकि हमारे ब्लैक हेड्स जो हैं वो रिमूव हों, हमारे वाइट हेड्स रिमूव हों। बेसन जो है वो हमारे फेशियल हेयर्स को भी रिमूव करता है, इसको रेगुलर अगर यूज़ करें तो। तो ये फेस पैक आपने हफ्ते में करना है दो दफ़ा यूज़, एक दफ़ा यूज़ करने से ही आपको इतना फ़र्क नज़र आएगा कि सेकंड टाइम आपका खुद दिल करेगा करने को। तो जी, आपने इसको लाजमी अप्लाई करना है और कमेंट में मुझे बताना है, फीडबैक मुझे लाजमी देना है कि आपको ये फेस पैक कैसा लगा। तो इसको 15 मिनट हम फेस पे लगा रहने देंगे, उसके बाद हम अपने स्किन को फेस पे करेंगे मसाज, और मसाज 5 मिनट मसाज करने के बाद हम फिर कर लेंगे फेस वॉश। तो जी, ये 15 मिनट हो गए हैं, अब हम स्किन को अच्छी तरह मसाज करेंगे स्किन पे, ताकि हमारी डल स्किन जो है वो रिमूव हो सके, हमारी डेड स्किन रिमूव हो सके, हमारे ब्लैक एंड वाइट हेड्स रिमूव हो सकें। तो जी, हम अच्छी तरह इसका मसाज करेंगे, हम अपनी आइज़ के नीचे भी अच्छी तरह इसको मसाज करेंगे, ताकि हमारा जो
उसी तरह मसाज करने के बाद फिर हम इसको फेस वॉश करके आते हैं। तो ये देखें जी, हमारे फर्स्ट ट्राई से ही ये हमें कितना फ़र्क नज़र आया है। ये मेरी स्किन में एक ग्लो आ गया है, ब्राइटनिंग आ गई है, हमारे डेड स्किन रिमूव हो गई है, हमारे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स जो नोज़ पे होते हैं वो रिमूव हो गए हैं। तो आप इसको जब महीना एक पूरा यूज़ करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये बहुत महंगी महंगे जो हम फेशियल्स करवाते हैं ये उससे भी बहुत अच्छा है। तो ये था जी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, होपली आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना अपने नहीं भूलना। बाय।